नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका ब्लूटूथ स्पीकर का स्विच काम नहीं करता है तो आप इनको कैसे ठीक कर सकते हो। देखिए, हमारा ब्लूटूथ स्पीकर में काफ़ी सारे इस प्रकार का छोटे छोटे स्विच होते हैं। अगर ये ख़राब हो जाते हैं तो हमारा ब्लूटूथ स्पीकर सबसे पहले तो ऑन नहीं होगा, क्योंकि ऑन करने के लिए भी यहाँ पर एक स्विच होता है पावर ऑन का, और बंद करने के लिए भी यही स्विच होता है। तो ये स्विच हमारा यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, आप लोग देख सकते हो। मैंने इसको प्रेस करके दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये यहाँ पर हमारा ऑन नहीं हो रहा है। और ये ऑन होने के बाद ही पता चलेगा कि ये बाकी के स्विच भी हमारा ख़राब है या फिर सही है। तो सबसे पहले हमें इसको खोलना पड़ेगा और उसके बाद हम इसको ठीक कर पाएंगे। और बाकी दोस्तों, ये हमारा चार्ज सही से हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, यहाँ पर हमारा रेड कलर का लाइट जल रहा है, इसका मतलब ये हमारा सही से चार्ज हो रहा है, चार्जिंग का कोई दिक्कत नहीं है। और बैटरी भी शायद ठीक होगा, यहाँ पर हमारा स्विच ख़राब होने से ही ये हमारा ऑन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है ये कौन सा कंपनी का है, यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए इसको खोलते हैं। तो देखिए, ये हमारा ऊपर का निकल चुका है और इसका नीचे में भी इस प्रकार के है, तो यहाँ पर इसको भी निकाल लेते हैं। तो देखिए, ये भी हमारा निकल चुका है और यहाँ पर ये हमारा कुछ इस प्रकार का रबर और यहाँ पर एलुमिनियम इसके ऊपर लगा हुआ है, तो ये हमारा इस प्रकार के दोनों मिल जाएंगे, जो कि हमारा बास को बढ़ाने के लिए यहाँ पर लगाया जाता है। और जो साउंड क्वालिटी होता है वो भी हमारा बहुत ही बढ़ जाता है ये दोनों को लगाने से। तो अभी हम इसका ये जो हमारा ग्रिल होता है इसको निकालना है। अभी मैंने यहाँ पर चार पेच को निकाल लिया हूँ, यानी कि चार स्क्रू को निकाल लिया हूँ। और यहाँ पर देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें होता है मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। ये हमारा सबसे पहला होता है सर्किट बोर्ड, ये आप लोग देख सकते हो। और दूसरा होता है हमारा ये स्पीकर जो कि बजता है, और तीसरा होता है हमारा ये बैटरी जो कि बजाता है, स्पीकर को पावर देता है बजाने के लिए। यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारा 3.7 वोल्ट का होता है और MAH इसके ऊपर लिखा हुआ होता है ये कितना एम्पियर का है, तो यहाँ पर इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है, ये कवर को हटाने के बाद पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पर बैटरी में हाथ नहीं लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम इसको ऑन करके देखेंगे। यहाँ पर देखिए, ये हमारा पावर ऑन वाला स्विच होता है, यहाँ पर इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, यहाँ पर देखिए पावर लिखा हुआ है, तो इसको दबाने से हमारा ये ऑन होना चाहिए। यहाँ पर स्पीकर स्पीकर नहीं तो ये हमारा टोटल सिस्टम ही ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा स्विच ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सभी स्विच हमारा एक जैसे हैं और सभी स्विच में हमारा चार लेग है। तो ये स्विच कैसे काम करता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, स्विच का जो ऊपर का दोनों लेग होते हैं, ये जो हमारा एक लाइन में रहते हैं, ये हमारा पहले से ही आपस में कनेक्ट होकर रहते हैं। और नीचे का लेग जो दोनों होते हैं, ये जो हमारा एक लाइन में रहते हैं, ये भी हमारा पहले से ही आपस में कनेक्ट होकर रहते हैं। जब हम ये स्विच का बटन को इस प्रकार से दबाते हैं, तब हमारा इस साइड का जो दोनों लेग है और इस सेट का जो दोनों लेग है, ये हमारा आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, यानी कि चार लेग हमारा आपस में कनेक्ट हो जाते हैं जब हम स्विच का बटन को दबाते हैं। और जब बटन को छोड़ देते हैं तो यहाँ पर ये दोनों साइड का ये जो दोनों लेग है और ये दोनों लेग है, ये हमारा डिसकनेक्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये स्विच हमारा काम करता है। तो ये हमारा पावर ऑन का स्विच है, तो जब हम इसको दबाते थे तो इस सेट का ये दोनों लेग कनेक्ट हो रहा था और इस सेट का ये दोनों लेग कनेक्ट हो रहा था और ये हमारा ऑन हो रहा था। तो यहाँ पर ये स्विच ख़राब हो चुका है, तो इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर इस साइड का दोनों लेग को इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे, कोई भी वायर से या फिर कोई भी चिमटा से, या फिर इस साइड का ये जो दोनों लेग है इसको कनेक्ट करेंगे। ये दोनों साइड जो है, इनमें से कोई भी एक साइड का दोनों लेग को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये दोनों को इस प्रकार से चिमटा के माध्यम से कनेक्ट करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमारा ऑन हो चुका है, यानी कि हमारा बैटरी सही है, स्पीकर सही है और ये हमारा बोर्ड सही है, सिर्फ ये हमारा जो स्विच है ये हमारा ख़राब हो चुके हैं। तो सारे स्विच को हम यहाँ पर निकाल लेंगे और यहाँ पर हम नया स्विच को लगाएंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसको फिर से इस प्रकार से कनेक्ट करके इसको बंद कर देता हूँ। तो अभी हमारा ये बंद हो चुका है, तो यहाँ पर सारे स्विच को सोल्डरिंग आयरन के माध्यम से हटाना है। देखिए, अभी मैंने यहाँ से पुराने स्विच को निकाल लिया हूँ और यहाँ पर नया स्विच को लगाऊंगा। तो हमारा जो पुराना स्विच था वो हमारा कुछ इस प्रकार का दिख रहा था, ये हमारा पुराना स्विच है और इतना छोटा साइज का स्विच हमारा लोकल मार्केट में अभी नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए मैंने इसी प्रकार का ही थोड़ा सा बड़ा साइज का स्विच को ले लिया हूँ। आप लोग देख सकते हो, ये जैसा है ये भी बिल्कुल वैसा है, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम इसको लगाएंगे तो ये हमारा बोर्ड में फिट नहीं आएगा क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है।
तो इसीलिए मैंने इसको क्या करूँगा, हमारा जो ये स्विच के लिए जगह है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसका बॉडी के ऊपर मैंने ये स्विच को कुछ इस प्रकार से लगाऊँगा, फेविक्विक को लगा के चिपका के। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर ये स्विच को तो लगाएंगे, लेकिन उसके लिए ये जो स्विच के साथ हमारा बोर्ड का जो कनेक्शन होगा उसके लिए हम सबसे पहले ये बोर्ड से वायर को निकाल देते हैं। तो यहाँ पर स्विच का जो चार लेग होता है, यहाँ पर स्विच का दोनों लेग के साथ ही हम कनेक्शन करेंगे, दोनों लेग को छोड़ देंगे, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा दोनों लेग से ही हमारा स्विच कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर ये दोनों को ये कनेक्ट करेगा अगर हम इसको इस प्रकार से दबाएंगे, और साथ ही ये दोनों को भी कनेक्ट करता है, तो इसीलिए दोनों लेग को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और इसीलिए ये जो हमारा साइड के दो दो पॉइंट होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ सभी स्विच का। ये देखिए, ये वाला जो हमारा स्विच है, इस साइड का दो पॉइंट के साथ हम दो वायर को लगाएंगे, और ये जो हमारा स्विच है, इस साइड का दो पॉइंट के साथ दो वायर को लगाएंगे, और ये जो स्विच है, इस साइड का दो पॉइंट के साथ दो वायर को लगाएंगे। इसी प्रकार से ये जो स्विच है, इस साइड का दोनों पॉइंट उखड़ गए हैं जब मैंने सोल्डरिंग आयरन से निकाल रहा था, तो इसीलिए इस साइड के दोनों पॉइंट के साथ दो वायर को लगाएंगे। और ये जो स्विच है हमारा LED का, इसका इस साइड का दो पॉइंट के साथ दो वायर को लगाएंगे। अभी दोस्तों मैंने सभी स्विच का एक साइड का दो दो पॉइंट से दो दो वायर को निकाल लिया हूँ। तो चलिए अभी हम इसको सबसे पहले फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पर स्विच को लगाएंगे और ये वायर का कनेक्शन करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने नया स्विच को फेविक्विक के दौरान चिपका लिया हूँ, और ये सारे स्विच के लिए हमारा जो दो दो वायर निकला हुआ था उनको भी सोल्डरिंग कर लिया हूँ। और दोस्तों, हमारा ये स्विच का जो दूसरी भाग में हमारा दो दो लेग बचा हुआ था उनको मैंने कट कर लिया हूँ, क्योंकि वो हमारा कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम इसको ऑन करके देख लेते हैं। ब्लूटूथ मोड, देखिए ये हमारा ऑन हो चुका है। तो चलिए अब हम यहाँ पर गाना बजा के भी सुन लेते हैं। तो ये आ गया हमारा 8005, तो इसको पेयर कर लेते हैं। कनेक्टेड, ये देखिए ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने गाना बजा देता हूँ, यहाँ पर साउंड को बढ़ाते हैं, यहाँ पर ही साउंड को बढ़ाते हैं स्विच की बटन के दौरान। ये देखिए ये इसका हाई साउंड है यहाँ पर बटन में, और यहाँ पर मोबाइल से साउंड को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अभी ये हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से ठीक हो चुका है। तो इसी प्रकार से अगर आपका भी स्विच ख़राब हो चुका है तो यहाँ पर ये नया स्विच को कुछ इस प्रकार से फिटिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।